हेलो, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. दिस इज़ मी, योर टीचर ऑफ एनाटॉमी. सो लेट्स बिगिन टुडेज लेसन. बिफोर वी स्टार्ट, उससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके डायरेक्टर सर की तबीयत काफ़ी सीरियस है, इसीलिए जो आपका इंस्टीट्यूट है वो 18 तारीख तक बंद रहेगा. आप मकर की भी छुट्टी मना लीजिए, तब तक हो सके तो उनकी तबीयत में सुधार आए तो 18 से हम लोग फिर खोलेंगे. अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप सीधे हमको फ़ोन कर सकते हैं. तो चलिए अपना आज का लेसन शुरू किया जाए. सो जैसा कि आप देख रहे हैं, टॉपिक टू बी कवर जो हम लोगों ने पढ़ना है वो है ऑर्गन ऑफ द स्किन. ओके, फिर है अबाउट द स्किन, लेयर ऑफ द स्किन, फंक्शन ऑफ द स्किन, स्किन बैरियर्स, अबाउट स्ट्रैटम कॉर्नियम. जो फर्स्ट लेयर होती है हमारी स्किन की उसी का नाम है स्ट्रैटम कॉर्नियम. देन फंक्शन ऑफ स्किन, बैरियर्स एंड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वी विल डिस्कस. ओके, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, बट वीडियो काफ़ी लंबा नहीं रखेंगे, थोड़े थोड़े करके ही आपको मिलेगा. ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर दी जाए. सबसे पहले ऑर्गन ऑफ द स्किन, तो लैटिन में किट्स कहा जाता है स्किन को, और मॉडर्न लैटिन में कैटनस. ठीक है, तो ये अपने काम का नहीं है, अपन यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे. द एडजेक्टिव कैटनस लिटरली मीन्स ऑफ द स्किन फॉर्म ऑफ लैटिन काइटिस. तो ये अपना काम का नहीं है, इसका मतलब जानने में कोई फायदा नहीं होगा. तो आगे बढ़ते हैं. स्किन के बारे में मैं इसको हिंदी में आपको अनुवाद कर दूंगा, आप इसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि सबसे पहली बात जो हम करेंगे वो है द स्किन इज आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी. जो स्किन है हमारा बॉडी का आउटर कवरिंग है, माने सबसे बाहरी लेयर है. ह्यूमंस में, इन ह्यूमंस इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम. ह्यूमंस में ये सबसे बड़ा अंग है, लार्जेस्ट ऑर्गन, और वो भी किसका, इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम का. सेकेंड, द स्किन इज मेकिंग अप 12-15% ऑफ बॉडी वेट एंड विथ ए सरफेस एरिया ऑफ 1-2 meter square. तो जो हमारा पूरा बॉडी वेट होता है उसका 12-15% यानी 12-15% तक केवल और केवल ये हमारी स्किन होती है. और हमारी बॉडी सॉरी ये तो हम बता चुके हैं, हमारी बॉडी वेट का 12-15% और सरफेस एरिया की अगर बात करें तो 1-2 meter square तक हो सकती है. अब आगे क्या लिखा जा रहा था, स्किन हैज़ अप टू 7 layers. स्किन के ऐसे तो 7 layer होते हैं. ठीक है, एक्टोडर्मल टिश्यू एंड गार्ड द अंडरलाइंग मसल्स, बोन्स, लिगामेंट्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स. तो हमारी स्किन जो है वो बहुत सारी चीज़ों को गार्ड करती है, जैसे मसल्स, बोन्स, लिगामेंट्स, इंटरनल ऑर्गन्स, है ना. ह्यूमन स्किन इज सिमिलर टू दैट मोस्ट अदर एनिमल्स मैमल्स. मानव शरीर लगभग बाकी मैमल्स के जैसा ही है. थॉट नियरली ऑल ह्यूमन स्किन इज कवर्ड विथ हेयर फोस सेल्स. तो हम देखते हैं हमारे स्किन पे कुछ बाल होते हैं, तो बालों से ये स्किन कुछ हद तक कवर अप होते हैं. इट कैन अपीयर हेयरलेस, और हेयरलेस भी हो सकती है. ठीक है, हेयर भी हो सकते हैं स्किन में और नहीं भी हो सकते. नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहाँ बहुत अच्छा पिक्चर आया. ठीक है, तो इसको आप एनालाइज कीजिएगा बढ़िया से और देखिएगा. स्किन इज कंपोज्ड ऑफ 3 layers. स्किन को बताया जा रहा है 3 layers से ये बने हैं. स्किन इज कंपोज्ड ऑफ 3 layers. सबसे पहला लेयर का नाम है एपिडर्मिस, दूसरा है डर्मिस और तीसरा है हाइपोडर्मिस और सब किट्स. ठीक है, अगर हम इनको जूम आउट करके देखें, सॉरी, तो यहाँ आपको एक तस्वीर दिख रही होगी, बढ़िया सा देख सकते हैं. सबसे ऊपरी जो लेयर है वो ग्रीन कलर में मार्क्ड अप है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस. इससे आप तुलना कर सकते हैं, एपिडर्मिस ऊपर वाला पार्ट,
डर्मिस मध्यम यानी कि बीच वाला पार्ट और हाइपोडर्मिस सबसे निचले वाला पार्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे जो ब्लड वेसल्स है ना, ब्लड वेसल्स जिनके द्वारा ब्लड जाते हैं वो, ठीक है। उसके बाद बाल यानी कि हेयर जो निकलते हैं स्किन पे, वो दोनों ही आप देख पाओगे डर्मिस वाली लेयर पे है, डर्मिस वाली लेयर पे है। और अगर मैं आपको बताऊं, ये जो आप देख रहे हो है ना, ये स्ट्रक्चर ये है सब सेबकेस, ठीक है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकता है आपको, लेकिन आप करना सेबकेस। इसी के द्वारा जो स्वैट ग्लैंड है, या यू कह लीजिए स्वैट ग्लैंड यही है, आई होप आपको समझ में आया होगा इसका स्ट्रक्चर। आप यहाँ देख सकते हैं ब्लड वेसल्स लगभग हाइपोडर्मिस और डर्मिस के दरमियान है, और कैपलरीज आपको यहाँ, ये जो है एक मिनट, ये जो है सारी कैपलरीज आपको दिख रही होंगी, क्योंकि ब्लड का सप्लाई तो सेल्स को चाहिए, बिना ब्लड के सप्लाई के कोई भी सेल जिंदा नहीं रह सकता, ये हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। चलिए सबसे पहले लेयर को पढ़ा जाए, क्या है सबसे पहले लेयर के बारे में। इपीडर्मिस, इपी कमिंग फ्रॉम द ग्रीक मीनिंग ओवर और अपन, इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। तो ग्रीक वर्ड में इसको इपी कहा गया है, ये जो हम है हमारी शरीर की सबसे पहली लेयर बनती है, कौन सी, इपीडर्मिस। ओके, इपीडर्मिस हमारे बॉडी की सबसे पहली लेयर, सॉरी स्किन की सबसे पहली लेयर बनती है। उसके बाद द इपीडर्मिस हैज फाइव रीजन्स एंड कैन रेंज इन टोटल थिकनेस फ्रॉम 0.5 मिलीमीटर इल्ड टू 0.5 मिलीमीटर ऑन द प्लैम्स एंड सोल्स। तो ये सबसे पहली लेयर है, तो ये हमें लगभग कहीं कहीं पे मोटी भी दिखाई देगी, जैसे हमारे हथेलियों पे, हमारे पाँव के तालुओं पे है ना, और बाकी जगह इनका मोटाई 0 to 0.5 मिलीमीटर होगा, जैसे कि बॉडी के कहीं भी 0.5 मिलीमीटर ही होगा। लेकिन जैसे हाथ की बात कर ले, सोल की बात कर ले, यानी कि तालू की बात कर ले, तो वहाँ पे हो सकता है 1.5 मिलीमीटर तक मोटी हो जाए। इट फॉर्म्स द वाटरप्रूफ प्रोटेक्टिव रैप ओवर द बॉडीज सरफेस, ठीक है। ये वाटरप्रूफ माने वाटरप्रूफ होता है, बाकी सारे धूल मिट्टियों से हमें बताता है, बॉडी सरफेस का ही पार्ट है ये तो। विच ऑल्सो सर्व्स एज बैरियर टू इन्फेक्शन एंड इट मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम विद एन अंडरलेइंग वेसल लेमिना। तो जो बात हम लोग कर रहे थे कि ये हमें बाहरी चीज़ों से या बाहरी वातावरण से काटता है, कौन, हमारा स्किन। तो काफ़ी सारे बैक्टीरियाज को वो बाहर ही रोक देता है, ताकि हम इन्फेक्शंस के शिकार ना हो जाए, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पे है इपिडर्मल लेयर, तो ये देखना है आपको, ठीक है। ये है इपिडर्मल लेयर यानी फर्स्ट लेयर ऑफ आर बॉडी, फर्स्ट लेयर, ठीक है। तो चलिए इसको आज डिटेल में स्टडी करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर डेड सेल्स जो हैं फिलअप किए हुए होते हैं, ये दिखाया जा रहा है डेड सेल्स को, कि धीरे धीरे जो सेल्स हैं, अच्छा नीचे से शुरू करते हैं, अगर आपको दिखाएं तो नीचे में डर्मिस के ठीक ऊपर एक स्ट्रक्चर नुमा लेयर होती है सेल्स की, ठीक है। यहीं पे सेल्स टूटते या डिवाइड होते हैं और वो ऊपर की ओर धकेल दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ डर्मिस के करीब लेयर कोशिकाओं की एक ब्रांच होती है या ग्रुप होती है, जिसमें डिवीजन चल रहा होता है हमेशा, और ये बनने वाले न्यू सेल को अपर लेयर में भेजने का काम करती है। उसके बाद 5 to 7 लेयर, इसको नाम दिया गया है कैरेटिनोसाइट, ठीक है। ये जो डर्मिस के ऊपर है,
इस पूरे लेयर को नाम दिया गया है, सॉरी 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 मेरी गलती, इसका नाम है स्ट्रेटम स्पिनोसम, ठीक है, स्ट्रेटम स्पिनोसम। ये बगल में आपको नाम दिखेगा, लेट मी जूम आउट, ओके। तो यहाँ ये देखिए स्ट्रेटम स्पॉन्सम। तो ये 5 से 7 लेयर की होती है जिसमें कैरोटीनोसाइट भी रिलीज हो रहा होता है, एक तरह का तत्व है, और फिर इससे भी आगे सेल्स को भेज दिया जाता है अपर डायरेक्शन पे, ओके। और ठीक उसके ऊपर जो लेयर मौजूद होती है 3 से 4 सेल्स की ब्रांच, ये वाली, ये कहलाती है, स्ट्रैटम ग्रैनुलुज्म, स्ट्रैटम ग्रैनुलुज्म, ठीक है। और इनमें से सिक्रीट कर रहा होता है लैमलर ग्रैनुल्स, ठीक है। इनका काम हम आगे बताएंगे, अभी तो बस आप स्ट्रक्चर देखते जाओ। और ठीक उसके बाद स्ट्रैटम लैकिडम नाम का एक छोटा सा लेयर होता है, करीब 2 ब्रांचेस को लिए हुए, और अंत में आते हैं हम लोग डेड सेल्स पे, जो कि सबसे ऊपरी लेयर होती है हमारे स्किन की। तो स्किन की सबसे ऊपरी लेयर जो डेड सेल्स की बनी होती है, जिसमें कैरेटिनोसाइट्स भी होते हैं, ठीक है, कैरेटिनोसाइट्स भी होते हैं, ये पाई जाती है सबसे ऊपरी लेयर पे, याद रखना है। और यही है स्ट्रैटम कॉर्नियम, ओके। जैसे अब आपको क्लियर कर दूं, मेनली स्किन को 3 भागों में बांटा जाता है, एक तो इपिडर्मिस, इपिडर्मिस, उसके बाद डर्मिस, उसके बाद आपको पता ही है। तो ये जो इपिडर्मिस वाली लेयर है सबसे ऊपरी लेयर, उसकी भी सबसे ऊपरी लेयर में क्या है, डेड सेल्स हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं स्ट्रैटम कॉर्नियम। तो इससे ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, आप इस वीडियो को बार बार देखिए, कहीं डाउट होता है तो आप पूछिए। फिर अगले वीडियो में मैं प्रयास करूँगा थोड़ा फोटो क्लियर लाने का, ताकि आपको देखने में और सुविधा हो। और चलिए इसी के साथ गुड बाय एंड मीट यू अगेन नेक्स्ट डे विद अ न्यू लेक्चर। सो थैंक यू फॉर टुडे।